नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की। भारत में एक नई पहल, हैदराबाद में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फ्लो औद्योगिक पार्क खोला गया। पाकिस्तान की नई साजिश, एक दर्जन जैश के आतंकियों को भेजा कश्मीर, सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। पंजाब में गिरता भूजल, बेरोजगारी और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, राणा गुरजीत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बिहार में शराब पीने और बेचने वालों पर कार्रवाई का तरीका बदलेगा, नीतीश कैबिनेट ने बड़े बदलाव को दी मंजूरी। महिला दिवस पर ज्योति देवी ने संभाली बिहार विधानसभा स्पीकर की कमान, राजकीय अवकाश घोषित करने की उठी मांग। आईसीएमआर की स्टडी में आया सामने कोविड-19 के खिलाफ कोविशील्ड और वैक्सीन का कॉकटेल है ज्यादा असरदार। भारत से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जा रही सहायता, गेहूं की तीसरी खेप रवाना। देश के हर जिले में महिलाओं के लिए लगेंगे आत्मरक्षा कैंप, महिला दिवस के कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने दी जानकारी। दो साल बाद 27 मार्च को फिर शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश का कड़ाई से होगा पालन। देश में नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर, वायरोलॉजिस्ट की टी जैकब का दावा, किसी संक्रामक वेरिएंट के सामने आने पर ही खतरा। यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ रहा तमिलनाडु का युवक, दो बार भारतीय सेना में शामिल होने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका सफल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे और मंत्री अनिल परब के करीबियों पर आयकर के छापे। डच पीएम संग फोन पर पीएम मोदी ने की बात, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने पर चर्चा। मनोहर बजट में हिसार को करीब 2000 करोड़ रुपए की सौगात, स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ेगी कनेक्टिविटी। ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना, कहा विकल्प नहीं है इसलिए भाजपा सत्ता में है, 2024 की तैयारी करें। यूपी में लग सकता है महंगी बिजली का झटका, वोटिंग खत्म होते ही कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए शुरू की प्रक्रिया। केंद्रीय बल के पहरे में होगी मतगणना, रिजल्ट आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध। ओपी राजभर ने कहा, हमारे गठबंधन से घबरा गई भाजपा, हताश होकर ईवीएम से की जा रही गड़बड़ी। मैनपुरी में ड्रोन से हो रही मतगणना स्थल की निगरानी, करहल पर अखिलेश या एसपी सिंह बघेल, सबकी लगी है नजर। आजमगढ़ में विश्व चुनाव
वेब कास्टिंग कंपनी की महिला अधिकारी का मिला शव। सपा ने कहा बड़ी साजिश, जांच करे पुलिस। वाराणसी में ईवीएम पर बवाल, सपाइयों ने ईवीएम भरे दो वाहन पकड़े, डीएम पुलिस कमिश्नर को घेरा, एडीजी की गाड़ी पर पथराव। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनाई अपनी पीड़ा, योगी ने कहा तनाव न ले। गहराने लगी सीएनजी का संकट, कानपुर में 48 घंटे बंद रहे 12 से ज्यादा फिलिंग स्टेशन। लखनऊ में फर्जीवाड़े में निजी कंपनी का निदेशक के गिरफ्तार, स्मारक संग्रहालय में 10 करोड़ रुपए के हुए थे गबन। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक, 8 साल की बच्ची को नोचा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर श्रीलंका में बनेगा सीता मंदिर, अशोक वाटिका में हुआ चरण पादुका का पूजन। औरैया में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, ससुरालियों द्वारा दी जा रही थी प्रताड़ना। बांदा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दो हुए घायल। एटा में दबंगों ने दिखाई दबंगई, घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट। एटा जिले में चल रहा फर्जी क्लिनिकों का खेल, लापरवाही के चलते प्रसूता की हुई मौत। ईवीएम सुरक्षा पर शुरू हुआ विवाद, जिला प्रशासन अलर्ट। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रायबरेली में मतगणना स्थल पहुंचे सपा कार्यकर्ता, स्ट्रांग रूम के बाहर जुटे सपाई। उन्नाव में मन चलो के हौसले हुए बुलंद, युवती से घर में घुसकर छेड़छाड़, परिजनों की पिटाई से युवक की मौत। बहराइच में ईवीएम की रखवाली करने पहुंचे सपा कार्यकर्ता, गल्ला मंडी पहुंचे सपा कार्यकर्ता, सपा सुप्रीमो के निर्देश पर पहुंचे कार्यकर्ता। देवरिया में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, मेडिकल कॉलेज के बाहर युवक ने लगाई आग, युवक ने चलती बाइक में लगाई आग। कन्नौज में राशन की दुकान में लगी आग, दुकान का सारा सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कानपुर देहात में मतगणना से पहले प्रशासन अलर्ट, एसपी स्वप्निल मामगाई ने दिया आदेश, बड़ा आदेश, मतगणना में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई। सहारनपुर में नवाबगंज चौकी इंचार्ज पर हुई कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया सस्पेंड, नवाबगंज चौकी इंचार्ज हैं गौरव चौहान। एटा में अधिकारियों के नाक के नीचे हो रही अवैध रिफिलिंग।
फतेहपुर में तिलहन की फसल पर कीड़ों ने किया कब्जा, फसलों का हुआ नुकसान। गोरखपुर में ईवीएम ले जाने में हुई लापरवाही, सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता। लखीमपुर में ईवीएम की निगरानी के लिए सपाई हुए मुस्तैद, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांदा में ईवीएम में हुई हेराफेरी, सपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। फतेहपुर में तेज रफ्तार का दिखा कहर, अनियंत्रित डीसीएम घुसी पेठे के कारखाने में, एक युवक की मौके पर ही मौत। हरिद्वार में लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहान का खुलेगा रिजल्ट, जीतने वाले प्रत्याशी नहीं निकालेंगे विजय जुलूस, 11 विधानसभाओं की काउंटिंग की तैयारी हुई पूरी। नरेंद्रनगर में मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे। विकासनगर मंदिरों में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, स्थानीय ग्रामीणों ने किया स्वागत। परिणाम से पहले रणनीति कवच, भाजपा ने प्लान बी को फ्लॉप करने के लिए जुटे कांग्रेस के दिग्गज। एग्जिट पोल के नतीजे से गदगद, हरीश रावत बोले 2017 की पराजय थी बहुत गहरी, 2022 में होगी नई विधानसभा का जन्म। भाजपा पर बहुमत हासिल करने का दावा, बागियों और निर्दलियों पर भी है नजर। उत्कल एक्सप्रेस में महिला चिकित्सक से एक व्यक्ति ने की अभद्रता, पुलिस ने लिया किया गिरफ्तार। देहरादून में आरटीओ में 14 मार्च से अपॉइंटमेंट की शर्त खत्म। आवेदक दे सकेंगे लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की चल रही तैयारी, देहरादून शहर में 5 जगह लगाए डंपिंग प्लेसर। उत्तराखंड में महिला पुलिस का जांबाज सिपाही प्रीति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माउंट किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा। उत्तराखंड की दो हॉट सीटों पर सबकी नजर, एक पर मौजूदा तो दूसरे पर है पूर्व सीएम। नैनीताल में राजस्थान के युवक की हत्या या आत्महत्या की उलझी गुत्थी। कुमाऊं में भोजीपुरा लालकुआ के बीच दौड़ी इलेक्ट्रिक रेल इंजन। नैनीताल जिले में रामगढ़ में मंदिर में रखी मूर्ति तोड़ने पर समुदाय विशेष के 4 लोग गिरफ्तार। सेना में मेजर बनी पूर्व सीएम निशंक की बेटी खुशी, गदगद पिता ने मेरे गौरव का दिन। रूस से हवाई हमले को लेकर कीव में अलर्ट जारी, लोगों से की कई बंकरों में जाने की अपील।
स्टारसो मिसाइल पर गरमाई राजनीति। रिपब्लिकन सीनेटर ने कहा भारत के खिलाफ कड़ा प्रतिबंध लगाना बड़ी मूर्खता होगी। रूस से तेल के आयात पर रोक लगाएंगे बाइडेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका व यूरोपीय देशों से इसके लिए किया था अनुरोध। विश्व बैंक ने यूक्रेन के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। 72.3 करोड़ डॉलर के कर्ज व अनुदान को दी मंजूरी। सुरक्षित गलियारे के जरिए सुमी से नागरिकों की निकासी शुरू। यूक्रेन के 20 लाख से ज्यादा नागरिक बने शरणार्थी। यूक्रेन को नहीं चाहिए नाटो की सदस्यता। पुतिन को दिया बड़ा ऑफर। रूस से गैस और तेल नहीं लेगा यूएस। बाइडेन बोले हम पर भी होगा प्रतिबंध का असर। तालिबान राज में 400 आम नागरिकों की मौत। यूएन ने दिए चौंकाने वाले आंकड़े। भारत ने पाकिस्तानी छात्रा को यूक्रेन से निकाला मदद पाने वाली। अस्मा ने कहा बहुत मुश्किल में थे, मोदी जी का धन्यवाद। यूक्रेन के एक्टर ने देश पर कुर्बान की जान। एक्टर पाशा ली की मौत। युद्ध के चलते एक्टिंग छोड़ टेरिटोरियल डिफेंस यूनिट की थी ज्वाइन। शेन वॉन ने स्पिन गेंदबाजी को नई परिभाषा और आक्रामकता दी। आर अश्विन ने दिया ये बयान। क्रिकेट के नियमों में बदलाव। अब गेंद पर थूक नहीं लगा सकेंगे गेंदबाज। मॉक डिंग को भी ऑफिशियल रन आउट माना जाएगा। बेयरस्टो ने संभाली इंग्लैंड की पारी। पहले दिन स्टंप पर रूट, स्टोक फिर फ्लॉप। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर। अप्रैल तक टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे दीपक चाहर। वार्नर के डांस की पाकिस्तान में धूम। रावलपिंडी टेस्ट में धीमे खेल से दर्शक बोर हो रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने भांगड़ा किया तो तालियां गूंज उठी। पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से हराया। एलिसा हेली ने खेली धमाकेदार पारी। रूसी खिलाड़ी को इंटरनेशनल जिमनास्ट संघ ने बैन किया। ब्रांज मेडल जीतने के बाद इवान कुलियाक ने चेस्टर पर लगाया था रूसी युद्ध का सिंबल। चेन्नई सुपर किंग्स को झटका। 14 करोड़ी पेसर शुरुआती सीजन से रहेंगे बाहर। जेसन राय की जगह अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्ला गुरबाज को गुजरात टीम में मिली जगह। विंडीज कोच फिल सिमंस बोले जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रांड के बिना भी इंग्लैंड खतरनाक। आरबीआई ने इन लोगों को दी बड़ी खुशखबरी। इंटरेस्ट रेट एक्सुलाइजेशन स्कीम को मार्च 2024 तक बढ़ाया गया। टेक और ई कॉमर्स सेक्टर में निवेशकों ने जमकर लगाया पैसा। फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र पिछड़ा।
टोयोटा ग्लैंजा एक नए अवतार में होगी लॉन्च, न्यू बिलेनो से होगी टक्कर। खाटू श्याम जी मेले के श्रद्धालुओं के लिए चलेंगे स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने महिलाओं को सौंपी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कमान, महिला अफसरों ने दिखाई हरी झंडी। होली पर घर जाना होगा आसान, गुजरात महाराष्ट्र के खास शहरों के लिए चलेंगी स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनें। एलआईसी के आईपीओ एसबीआई से मंजूरी, सरकार बेचेगी 31 करोड़ एक्टिव शेयर, पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% शेयर रिजर्व। यूक्रेन रूस जंग में बढ़ रही महंगाई, गेहूं से लेकर खाने का तेल तक हो रहा महंगा, 25 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। टीसीएस 18,000 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदेगी, निवेशकों को मिलेगा 20% का फायदा। अमेरिका ने रूस पर कसा शिकंजा, तेल गैस आयात पर लगाया प्रतिबंध, अब ईरान के साथ कर सकता है क्रूड का व्यापार, दुनिया पर होगा असर। द कपिल शर्मा शो छोड़ने के बाद दादी ने किया बड़ा खुलासा, अली असगर ने बताया शो छोड़ने की असली वजह। शमा सिकंदर ने शादी से पहले दोस्तों के साथ मचाया धमाल, बैचलर पार्टी में दिखाई झलक। फिल्मों में जेंडर के गैप पर बोली यामी गौतम, अब ऑडियंस एक्टर एक्ट्रेस नहीं कंटेंट देखती है। विक्की कौशल ने की इंटरनेशनल वुमेन डे स्पेशल पोस्ट, सास की गोद में बैठी दिखी कैटरीना कैफ। राजकुमार राव मां को याद कर हुए इमोशनल, तस्वीर शेयर कर लिखा दिल छू लेने वाला नोट। मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर पहुंचे बहन सना कपूर के ससुराल, पाहवा फैमिली ने खूब की खातिरदारी। अंकिता लोखंडे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मिला पति से खास तोहफा, विक्की जैन ने दिया ये सरप्राइज। निम्की मुखिया फेम भूमिका गुरु अंग बंदी, शादी के बंधन में ब्राइडल लुक में भूमिका लग रही बेहद खूबसूरत। तापसी पन्नू स्टारर शाबाश मिठू का पोस्टर आउट, इस बात की जानकारी खुद तापसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी है जानकारी। लियोनार्डो डी कैप्रियो ने यूक्रेन को डोनेट किए 76 करोड़ रुपए, लियोनार्डो की नानी यूक्रेन के ओडेसा शहर की है निवासी। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।